बैक टू माय चैनल। तो आप सबको पता होगा कि राखी आने वाली है एंड मीशो से मैंने राखी का इतना सुंदर सुंदर आउटफिट लेकर आई हूँ ना, जैसा कि आप देख सकते हो आई थिंक 9 आउटफिट या 10 आउटफिट है, बहुत ही प्यारे प्यारे से हैं और ये फ्रंट में आपको दिख ही रहा होगा, बहुत ही सुंदर सुंदर से होने वाले हैं। और आज मैंने सेटअप थोड़ा अलग किया हुआ है क्योंकि आज मैं दिन में शूट कर रही हूँ, तो मैंने सोचा यार सेटअप थोड़ा अलग होना चाहिए, क्या ही घिसा पिटा सा हमेशा का वही सेटअप बैठ के बनाना। आज थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा कंफर्टेबल होके अच्छे से खड़े होके बनाती हूँ और आप सबको अच्छे से रिव्यू देती हूँ। बहुत ही प्यारे प्यारे से राखी के कुर्ता सेट एंड आउटफिट होने वाले हैं, तो एंड तक जरूर देखना, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। और आई होप ये ड्रेस आपको अच्छा लग रहा हो। और ये नेक पीस भी मैंने मीशो से लिया है और ईयरिंग्स भी मैंने मीशो से लिया है। ऐसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। सो दिन में बना रही हूँ तो थोड़ा आवाज़ आती रहेगी गाड़ियों की कुछ इस तरह से, तो यार तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। एंड या इस ड्रेस का लिंक वगैरह चाहिए होगा तो ये फ्लिपकार्ट से है एंड ये मीशो से, ये भी मीशो से, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, फुल आउटफिट लिंक तो वहाँ से देख सकते हो। ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज आज की हॉल में जो मेरा फेवरेट 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 है वो आपको फ्रंट में दिख रहा होगा, वो है ये बहुत ही प्यारा सा कुर्ता सेट। जैसा कि आपको दिख रहा होगा बहुत ही खूबसूरत सा है, यहाँ पे ये कुर्ता देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको इस तरह से स्लीव्स देखने को मिलेंगे, देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ये पूरा। आपको ना नीचे थोड़ा लॉन्ग कुर्ता है, ये आपको ड्राइव में देखने को मिल रहा होगा, लॉन्ग कुर्ता है, बहुत ही प्यारा सा है। साइज वगैरह सब कुछ आप देख लेना, साइज आई थिंक इसकी मीडियम थी कि क्या थी, मैं ना लार्ज मीडियम एक्स्ट्रा लार्ज सब लेती हूँ और अपने हिसाब से बनवा लेती हूँ, किसी किसी में मीडियम नहीं होता लार्ज नहीं होता, बट आई थिंक ये मीडियम था। जो भी साइज आप ले सकते हो फिर आपको उसे फिटिंग करवा सकते हो। ये थोड़ा सा लूज हो रहा था, पीछे से मैंने पिन लगाया हुआ था। दुपट्टा आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, इसका दुपट्टा नेट वगैरह पे रहता ना तो और भी अच्छा लगा होता, बट कोई बात नहीं, दुपट्टा आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ये आई थिंक ऑर्गेंजा सिल्क है, ठीक है, बहुत ही प्यारा सा ये कुर्ता है और नीचे भी साइड में भी ये पूरी पूरी आपको डिटेलिंग देखने को मिलेगी। एंड यार इतना प्यारा सा पीस है ना, देख सकते हो बहुत ही प्यारा सा वर्क, बहुत ज़्यादा अच्छा है। दुपट्टा तो अरे कुर्ता तो हो गया, अब बात की चाहे करते हैं ट्राउज़र की, ठीक है, तो ट्राउज़र आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ये देखो नीचे आपको ये वाली डिटेलिंग देखने को मिलेगी एंड ट्राउज़र बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा है। यहाँ पे देखो ये इलास्टिक देखने को मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा है, ब्लैक कलर का ये भी है। इसकी फैब्रिक की बात की जाए तो फैब्रिक जॉर्जेट है, तो यह ले सकते हो राखी के लिए, बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो देख सकते हो बहुत ही अच्छा फिटिंग, बहुत ही अच्छा हो रही थी ये दुपट्टा का। ठीक है बढ़ते हैं नेक्स्ट रन पे, जो नेक्स्ट रन आपको दिखाने वाली हूँ, यहाँ पर मेरी सिस्टर बैठी हुई है, मैंने उसे बोला है कि लगाती रहना तो वो लगा के भी देगी, तो मैं उसको लगा दूंगी। ठीक है तो नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट रन पे, जो नेक्स्ट रन आपको दिखाने वाली हूँ वो है ये पिंक कलर का कुर्ता, बहुत ही प्यारा सा, कतर इसको ऑन कर लेती हूँ, दिखना भी तो चाहिए वीडियो में। ठीक है बहुत ही प्यारा सा पिंक कलर का कुर्ता सेट आपको ये देखने को मिलेगा, बहुत बहुत ही प्यारा सा पिंक कलर का कुर्ता सेट देखने को मिलेगा। एंड ये देखो कलर कॉम्बिनेशन, देखो ये लाइट पिंक ये डार्क पिंक, कल ऐसे कलर कॉम्बिनेशन ना मुझे बड़े पसंद आते हैं, पिंक के साथ ऑरेंज भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है मुझे कलर कॉम्बिनेशन। ठीक है तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये इस तरह से कुछ, यहाँ पे ये दुपट्टा आपको ऑर्गेंजा में देखने को मिलेगा, दुपट्टा दिखा देती हूँ तब तक उसको यहाँ रख देती हूँ, दुपट्टा में आपको ऑरेंजा में देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको लेस देखने को मिलेगी पूरी, यहाँ पे लेस वाली डिटेलिंग देखने को मिलेगी और ये वाला आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है लेस, वो देखने को मिलेगा। दो कलर में आपको दुपट्टा देखने को मिलेगा, देख सकते हो दुपट्टा बहुत ज़्यादा प्यारा है और कुर्ता भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। ठीक है कुर्ते की बात की जाए तो कुर्ता में आपको इस तरह से पूरा देखो, ये देखो दो कलर देखने को मिलेगा, बहुत ही प्यारा सा ये वर्क देखो, बहुत ज़्यादा अच्छा है, एकदम फेस्टिव वाइब दे रहा है, वेडिंग वगैरह के लिए भी ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, वेडिंग में भी इसको वेयर कर सकते हो किसी फंक्शन वगैरह में या वेडिंग में भी, रात के टाइम पे जब चमकेगा ना ऐसे ऐसे देख लो कितना चमक रहा है, तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। ठीक है और इसका भी फैब्रिक जॉर्जेट है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, नीचे इसकी लेंथ बड़ी लंबी थी, बहुत ही अच्छा नीचे से भी ये देखो पूरा ये वाली डिटेलिंग देखने को मिलेगी, लटकन कुछ लगा हुआ है एंड देखो ये वर्क देखो सिक्वेंस वाला पूरा वर्क है। ठीक है अगर बात की जाए इसके ट्राउज़र की तो आपको ट्राउज़र कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, ये ट्राउज़र है, यहाँ पर आपको पूरी डिटेलिंग देखने को मिलेगी, तो तब तक मैं इसे लगा देती हूँ ताकि बैकग्राउंड में थोड़ा अच्छा दिखे, आप लोग को थोड़ा बोरिंग ना फील हो। ठीक है ये देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको ट्राउज़र में आपको सिक्वेंस वाला पूरा वर्क देखने को मिलेगा। एंड सो गाइज स्टोरेज फुल हो गई थी इसलिए मैं चली गई थी, फिर से मैं दिखा रही हूँ। ठीक है ये पूरा सीक्वेंस वाला वर्क देखने को मिलेगा एंड यह पूरी है ना वेडिंग और फेस्टिवल दे रहा था, तो यह बहुत ही अच्छा है, वेडिंग में वियर कर सकते हो, रात के टाइम जब पहनोगे ना तो पूरा एकदम चकमक चकमक करेगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा है, जॉर्जेट मटेरियल पे था, जैसा कि मैंने आपको कुर्ता भी दिखा दिया वो भी दिखा दिया। ठीक है बढ़ते हैं नेक्स्ट रन पे, जो नेक्स्ट रन आपको दिखाने वाली हूँ मैं अपना फेवरेट दिखाती हूँ, जो मेरा फेवरेट कलर था इसमें वो है ये, इसका कलर कॉम्बिनेशन रुको पहले दुपट्टा दिखाती हूँ आपको, उसको यहाँ रखते हैं, ये दुपट्टा देख सकते हो इतना प्यारा ये दुपट्टा है ना, इसका कलर कॉम्बिनेशन ग्रीन एंड ब्लू लगा दो तब तक,
ग्रीन एंड ब्लू इतना अच्छा लग रहा था ना, ये देखो पूरा सिक्वेंस वाला वर्क है। एंड दुपट्टा इसको ना आप कुछ बनवाओगे ना, अगर व्हाइट कलर का कोई अनारकली कुर्ता सेट बनवा रहे हो उसके ऊपर ये दुपट्टा लगा लो, वाह क्या लगेगा, बहुत ही प्यारा सा दुपट्टा है। तो यह बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा देख सकते हो, मैं इसको रखूँगी एंड इस दुपट्टे के लिए ही रख रही हूँ क्योंकि ये दुपट्टा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। ठीक है, देख सकते हो बहुत ज़्यादा सुंदर है ये, देखो यहाँ पे पूरा सिक्वेंस वाला वर्क देखने को मिलेगा, चुनरी वाला है, कलर कॉम्बिनेशन जो मैंने बोला ना लाइट और डार्क कलर का कॉम्बिनेशन थोड़ा अच्छा लगता है, इसी तरह जैसे कि ऑरेंज एंड पिंक कलर का कॉम्बिनेशन मुझे पसंद है वैसे ही मुझे इस तरह से स्काई ब्लू एंड ये पैरेट ग्रीन का कलर कॉम्बिनेशन ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो ये दुपट्टा बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, अरे मतलब बढ़ते हैं, ओह शिट शिट, दिखाती हूँ मैं इसका घाघरा आपको। ये देखो बहुत ही प्यारा सा प्लाजो था, ये देखो इसका वर्क, इसका भी वर्क सीक्वेंस वाला था, बहुत ज़्यादा सुंदर था। इसमें एक चीज़ मुझे नहीं पसंद आई, रुको मैं अभी बताऊंगी आपको। इस तरह से पूरा आपको ये घाघरा देखने को मिलेगा बहुत ही प्यारा सा, यहाँ पे आपको प्लास्टिक वाले इस तरह से देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, सब कुछ अच्छा था, बट इसका जो कुर्ता था ना, कुर्ता मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। देखो कुर्ता मतलब अजीब सा लग रहा था, बहुत ही अजीब सा था, बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगा ये कुर्ता, नहीं अच्छा लगता था, पता नहीं क्यों अजीब लग रहा था। बट आप इन दोनों को लेकर ना उसके ऊपर कोई छोटा सा प्यारा सा इस तरह कुर्ता ना जॉर्जेट में सिलवा के लेस वगैरह इस तरह से हल्की हल्की लगवा के, इतना ज़्यादा मोटी नहीं लगवाना, हल्की लगवा के आप बनवाओगे ना भाई बहुत ज़्यादा सुंदर लगने वाला है। अगर आपको कुछ डिफरेंट पहनने का मन है तो आप ये ऐसे कर सकते हो, बहुत ही प्यारा लगेगा, बहुत ही प्यारा सा है। जॉर्जेट मटेरियल में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, बट उसकी एक चीज़ नहीं अच्छी लगी कि लेस बहुत ही गंदा था एंड फिटिंग भी अच्छी नहीं थी। बाकी आप इसी के ऊपर ना लेस इसको निकलवा के दूसरा लेस लगवा सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये भी ले सकते हो, बहुत ही अच्छा कलर कॉम्बिनेशन था, वो ले दे दो तब तक, पिंक वाला दे दो तब तक लगा देती हूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट वन पे, जो नेक्स्ट वन आपको दिखाने वाली हूँ वो है ये, जिसको ना ज़्यादा जॉर्जेट वगैरह पहनना नहीं पसंद है, सिल्क में लेना पसंद है, वो ये ले सकता है। सिल्क में बहुत ही प्यारा सा ये कुर्ता सेट है, ये देखो कुछ आपको दुपट्टा इस तरह से देखने को मिलेगा, ये ब्लू कलर का दुपट्टा है, ये देखो सीक्वेंस वाला पूरा वर्क है एंड सिल्क में थोड़ा है, बहुत ही प्यारा सा है। ये देखो कलर इसका बहुत ज़्यादा प्यारा था, दुपट्टा भी इसका बहुत ज़्यादा प्यारा है, इसको किसी और के साथ भी आप वियर कर सकते हो। यहाँ पे आपको ब्राउन और ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा था, देख सकते हो बहुत ज़्यादा सुंदर सा है सिल्क दुपट्टा। एंड अगर कुर्ते की बात की जाए तो कुर्ता कुछ आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, पूरा सीक्वेंस वाला वर्क देखने को मिलेगा आपको, पूरा सीक्वेंस वाला वर्क है, ये बाजू पर भी है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही क्या बोलते हैं उसे क्लासी टाइप का कुछ लग रहा था। ये वाला मैं तब तक लगा देती हूँ यहाँ पर, ठीक है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, देख सकते हो पूरा सिल्क वाला है और इनका वर्क नीचे का कुछ आपको बॉर्डर थोड़ा ज़्यादा चौड़ा था, बहुत ही लंबा सा बहुत ही प्यारा सा कुर्ता था। अगर बात की जाए इसके पैजामे की, पैजामा इतना ज़्यादा मतलब वर्क वगैरह नहीं था, यहाँ पे आपको ये इलास्टिक देखने को मिलेगी एंड ब्राउन कलर का ये भी था, सिल्क मटेरियल सेम मटेरियल जैसा कुर्ते का मटेरियल था, यहाँ पे आपको यहाँ पे ये बॉर्डर देखने को मिलेगा, बहुत ही प्यारा बहुत ही अच्छा है। तो यार ले सकते हो, राखी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, अपने बजट के हिसाब से आपको जो अच्छा लगे आप वो ले सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट आपको दिखाने वाली हूँ मैं, आपको कुर्ता दिखाऊंगी ना, वो इतना प्यारा इतना एलिगेंट है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। ये देखो ये पूरा एकदम पाकिस्तानी वाइब दे रहा था एंड छोटू सा कुर्ता है थोड़ा सा एंड नीचे पैजामा है। रुको मैं आपको दिखाती हूँ, पहले दुपट्टा देखो, दुपट्टा आपको सिंपल जॉर्जेट में देखने को मिलेगा, पतला सा दुपट्टा एंड साइड में इस तरह से कुछ आपको बॉर्डर देखने को मिलेगा, यहाँ पर कुछ इस तरह से बॉर्डर देखने को मिलेगा, व्हाइट थ्रेड से पूरा बॉर्डर करके हो रखा है। ठीक है, जॉर्जेट सब फैब्रिक जॉर्जेट वाला बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छे मतलब बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था एंड इसका कलर जो है ना बहुत ज़्यादा प्रिटी है, बहुत ज़्यादा क्यूट क्यूट वाइब दे रहा था, आपने ट्राइम पे मेरे देख लिया होगा कैसा लग रहा है। बढ़ते हैं इस पे, तो ये आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा कुर्ता, ये देखो थोड़ा लूज लूज था, एकदम पाकिस्तानी वाली वाइब दे रहा था एंड यहाँ पे आपको इस तरह से लेस, इस तरह की जो लेसेस होती है ना मुझे बड़ी पसंद आती हैं, ये जो थ्रेड वाली लेसेस होती हैं, तो यहाँ एंड लेस में ये बाजू में ना इस तरह से खुला हुआ है, देखो कितना प्यारा लग रहा है, यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था, डिटेलिंग की छोटी छोटी बहुत ज़्यादा प्यारी है, पीछे भी लेस आपको देखने को पूरा मिलेगा, आगे भी पूरा आपको लेस देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड ये पूरा लेस आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा प्यारा है, जॉर्जेट मटेरियल में था ये। ठीक है, इसका ट्राउजर नीचे गिर गया तो इसको मैं लगा देती हूँ यहाँ पर, यस। अगर इसके ट्राउजर की बात की जाए तो ट्राउजर कुछ आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको इस तरह से डिटेलिंग देखने को मिलेगी, देखो थ्रेड से पूरा वर्क है एंड बहुत ही प्यारा है, बहुत ज़्यादा प्रिटी। अगर आपको बहुत ही सिंपल कपड़े पहने पसंद है, कुछ कुछ होती हैं लोग जिसको बहुत ही सिंपल कपड़े पसंद है, तो इसके साथ व्हाइट ईयरिंग व्हाइट ईयरिंग्स और व्हाइट सैंडल बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा। जॉर्जेट मटेरियल में था, बहुत ही पीच कलर का बहुत ही सुंदर सा ये था कुर्ता सेट, आपको बाकी ट्राउजर में देखने को मिल गया होगा कैसा लग रहा है। बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है भाई, कई बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट आपको दिखाने वाली हूँ अभी कई बाकी, ये दिखाती हूँ अनारकली वाला, ये अनारकली कुर्ता सेट आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, बहुत ही प्यारा सा, पीछे आपको पूरा
गोल राउंड सा बड़ा सा नेक देखने को मिलेगा, पीछे का ये है, सॉरी पीछे का ये है, आगे आगे भी राउंड है, पीछे से राउंड है, साइज की मीडियम थी, ठीक है, देख सकते हो बहुत ही अच्छा है, सिक्वेंस वाला पूरा वर्क देखने को मिलेगा यहाँ पर। एंड दुपट्टे की बात की जाए तो उसका दुपट्टा बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, इसका दुपट्टा इतना ज़्यादा खूबसूरत था ना, मैं आपको क्या बताऊँगी, देखो दुपट्टा, दुपट्टा इसका बहुत ज़्यादा प्यारा था, ये देखो दुपट्टा बहुत ज़्यादा प्यारा था। इसके साथ एक ट्राउज़र भी आया था बट ट्राउज़र अभी मिल नहीं रहा है, बाकी आप ले सकते हो इसको, बहुत ज़्यादा सुंदर है, ये भी आप ले सकते हो फेस्टिव के लिए या तो वेडिंग के लिए, ठीक है। जो नेक्स्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है ये येलो कलर का बहुत ही प्यारा सा पाकिस्तानी टाइप का ये भी कुर्ता सेट है, बहुत ही थ्रेड वर्क है पूरा ये, आपके आपको देखो बाजू से ही पता चल रहा होगा कि पाकिस्तानी कुर्ता सेट है, बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे पूरा आपको थ्रेड वर्क देखने को मिलेगा, और स्लीव्स में भी आपको पूरा थ्रेड वर्क, और थ्रेड वर्क ना बहुत ही सफाई बहुत ही अच्छे से किया गया है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दुपट्टे से, दुपट्टा आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, पूरा आपको बॉर्डर यहाँ पर देखने को मिलेगा, देखो पूरा बॉर्डर भी आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही प्यारा सा दुपट्टा है, बहुत ही चौड़ा सा दुपट्टा है, यहाँ इधर भी आपको पूरा बॉर्डर देखने को मिलेगा, बहुत ही सुंदर जॉर्जेट मटेरियल में आपको ये दुपट्टा देखने को मिलेगा, बाकी आपको ड्राइंग में देखने को मिल गया होगा कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। अगर इसकी बात की जाए कुर्ते की, भाई मैं तो कैमरा ही ला दे रही हूँ, कुर्ते की बात की जाए पहले पैजामा देख लो, पैजामा की बात की जाए तो पैजामा आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, ये देखो यहाँ पे इलास्टिक देखने को मिलेगी, एंड यहाँ पर आपको पूरा ये वाली थोड़ा सा सिल्क मटेरियल में इसका फैब्रिक है, मैं आपको बता दूँ, एंड पूरा थ्रेड वर्क नीचे देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। अगर बात की जाए इसके कुर्ते की तो कुर्ता कुछ आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, पूरा थ्रेड वर्क किनारे किनारे देखने को मिलेगा, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही एलिगेंट सा है, इसको भी ले सकते हो अगर राखी पे अगर कुछ सिंपल चीज़ें आपको पहननी है तो, बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा पहनना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट हम पर, जो नेक्स्ट आपको दिखाने वाली हूँ वो है ये ग्रीन कलर का कुर्ता सेट, इसका दुपट्टा इतना ज़्यादा प्यारा है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही प्यारा सा दुपट्टा है इसका, जैसा कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ, देख सकते हो पूरा कट आपको देखने को मिलेगा दुपट्टे पे, ये देखो पूरा आपको दुपट्टे पे कट देखने को मिलेगा, बहुत ही खूबसूरत सा बहुत ही प्यारा सा पीस इन्होंने दुपट्टे का बना रखा है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, देखो इस तरह की साड़ी रहती ना भाई मज़ा रहता, बहुत ही प्यारा सा ये क्या कहते हैं दुपट्टा, देख सकते हो ग्रीन कलर में आपको देखने को मिल जाएगा, और भी कलर आई थिंक अवेलेबल थे इसके तो आप ले सकते हो, बाकी मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसको ले लिया, ये कलर बहुत ही प्यारा सा है, ट्राई में आपको देखने को मिल गया होगा। बढ़ते हैं इसके कुर्ते पे, तो कुर्ता भी आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको स्लीव्स देखने को मिलेगी, यहाँ पे पूरा वर्क देखने को मिलेगा, ठीक है, एंड ये साइड में पूरा आपको पूरा वर्क देखने को मिलेगा, बहुत ही प्यारा सा जॉर्जेट मटेरियल में आपको देखने को मिलेगा। एंड अगर इसकी बात की जाए पैजामे की तो पैजामा कुछ आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, ये देखो बहुत ही प्यारा सा है, बहुत ज़्यादा सुंदर सा है पैजामा भी इसका, देख सकते हो। अगर बात की जाए अब नेक्स्ट वन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट वन है वो है बहुत ही सिंपल सा एक कुर्ता सेट था कॉटन में, एंड इसका मुझे ये प्योर कॉटन है, प्योर इसका मुझे प्रिंट बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो क्या ये आप डेली बेसिस के लिए या कॉलेज गोइंग गर्ल हो या ऑफिस गोइंग गर्ल हो उसके लिए ले सकते हो, बाकी आप राखी वगैरह पे भी इसको वियर कर सकते हो, अच्छा लगेगा, जो सिंपल सिंपल कुछ लोग होते हैं बहुत ही प्रेफर करते हैं पहना, उनके लिए परफेक्ट है, प्योर कॉटन है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा है, दुपट्टा भी आपको कॉटन में देखने को मिलेगा, मैं दुपट्टा दिखा देती हूँ, भाई दुपट्टा बहुत ज़्यादा प्यारा है, देखो प्योर कॉटन में आपको देखने को मिलेगा दुपट्टा, इससे आप अपनी स्वेटिंग भी पोस सकते हो, जैसा कि मैं बोझ रही हूँ, बहुत ही प्यारा सा है, देख सकते हो क्रीम कलर, क्रीम कलर ऐसा कलर है सबके ऊपर से आएगा आई थिंक, तो बहुत ज़्यादा सुंदर सा है, फैब्रिक वगैरह देखो प्योर कॉटन है, बहुत ही प्यारा सा है, ये देखो। बढ़ते हैं अगर कुर्ते पे, तो कुर्ता आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, देख सकते हो कुर्ता सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा था, मैंने साइज मीडियम लिया था, एंड इसकी अगर पैजामे की बात की जाए तो ये देखो पैजामा भी प्योर कॉटन था, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल था, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था, मतलब मुझे मीशो पे लगा नहीं था कि इतना प्यारा कॉटन आएगा, इतना अच्छा फैब्रिक आएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा फैब्रिक आया था। बढ़ते हैं लास्ट उन पे देना दो, बढ़ते हैं लास्ट वन पे, जो लास्ट वन है एक साड़ी है, मैं यहाँ पे टांग नहीं पाई थी क्योंकि हैंग नहीं कर पाई थी, टांग नहीं पाई थी बोल रही हूँ क्योंकि नहीं हो पा रहा था, तो ये प्री ड्रेप साड़ी है, क्या बोलते हैं उसे, रेडी टू वियर साड़ी, बहुत ही प्यारी सी, इसके साथ आपको एक बेल्ट भी देखने को मिलेगा, बट बेल्ट अभी कहाँ है मुझे खुद नहीं पता है, बहुत कहाँ रख दिया है मैंने, ठीक है, यहाँ पे आपको इस तरह से देखने को मिलेगा ये साड़ी, और यहाँ पे आपको ये इसका पल्लू देखने को मिलेगा, ये रफल वाली डिटेलिंग में जॉर्जेट मटेरियल है, ये थोड़ा सा ना मुझे इसका ये टाइट हो रहा था, ये ब्लाउज, ये देखो ब्लाउज आपको उस तरह से मिलेगा, प्रिंट देखो बहुत ज़्यादा प्यारा है, तो आप इसको ले सकते हो, बहुत ही अच्छा है राखी के लिए, मैंने लास्ट टाइम ना ऐसी इस तरह की साड़ी पहनी थी राखी पर, तो आप भी पहन सकते हो इस बार अगर आपको लेना है तो, बहुत ही प्यारी सी है। बाकी ये सब आपको मैंने दिखाई दिया, कुछ तो नीचे पड़े हुए हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे से कुर्ता सेट है, और सबसे अच्छा मुझे इसमें से ये लगा था पिंक ब्लैक और ये तीनों बहुत ही मुझे अच्छे लगे थे, इसका कलर कॉम्बिनेशन की वजह से मुझे अच्छा लगा था, इसका भी कलर कॉम्बिनेशन की वजह से, और इसका जो वर्क वगैरह है ना ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था, इस तरह से लगा देती हूँ, ठीक है।
बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। सो गाइज, ये रही मेरी आज की हॉल वीडियो। आई होप ये हॉल वीडियो आपके लिए हेल्पफुल, आपको अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। और हाँ, अगर आपने मुझे इंस्टा फॉलो नहीं किया तो इंस्टा पे जरूर फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, लव यू, टेक केयर। और अभी ना सेल चल रही थी मीशो पे 2 अगस्त से लेकर 4 अगस्त तक, तो मैं वीडियो इसीलिए मैंने रखा था कि मैं वीडियो बनाऊंगी बहुत ही मस्त, लेकिन हो नहीं पाया। तो कोई बात नहीं, अब मैंने अपलोड कर दिया, आप परचेज कर सकते हो। और भी सेल वगैरह आ गई ना, मैं जरूर डालूंगी वीडियो। बाय।